वहां पर एक हिस्टोरिकली फर्स्ट टाइम ऐसा काम हुआ है कि जो इससे पहले नहीं हुआ था, और वो ये हुआ है कि लाओस ने एक पोस्टल स्टैंप इशू की है जिसके ऊपर श्री राम का इमेज है। Hezbollah. At least 10 young people and children were killed when a rocket from Lebanon hit a soccer field in the Israeli-controlled Golan Heights. तो ये जो सारी दुनिया में गड़बड़ चल रही है ना इस वक्त, ये सब की सॉल्यूशन एक ही थी कि अगर बचपन से ही स्कूल में अंदर से भगवत गीता पढ़ाई जाती बेसिक लेवल पर, बिल्कुल बेसिक। अच्छा, इसके ऊपर भी आप देखिए इंडिया और लाओस का फ्लैग है। साथ ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार पर तेल देने से इनकार कर दिया है। जब वो कहते पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, लवली। This latest video obtained by Manchester Evening News has been released. Shame on the Pakistani media coverage of this. What the Pakistani media was saying, do you know what they say? They were saying this was a racist attack. और कहा जा रहा है कि ये दुनिया में पहली मर्तबा हिस्ट्री में ये एक ऐसी स्टैंप उन्होंने जारी की है और इसको अनवील किया है क्योंकि इस इवेंट पर एज ए स्पेशल गेस्ट के तौर पर डॉक्टर जयशंकर मौजूद थे, तो लाओस में उन्होंने अनवील किया वर्ल्ड्स फर्स्ट पोस्टल स्टैंप फीचरिंग श्री राम। नमस्कार दोस्तों, अब सारी की सारी सिचुएशन पाकिस्तान के विपरीत जा रही है। जैसे कि पिछले दिनों जो यहाँ पर जो राम मंदिर वाली पूरी की पूरी सिचुएशन हुई, जो राम मंदिर के इनॉग्रेशन किया गया, उसके बाद अब उसके और भी रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर लाओस की बात हो रही है कि वहाँ की जो डाक टिकट है, वहाँ की जो पोस्टल टिकट है, उस पर अब राम मंदिर या फिर कहीं की रामलला या फिर आप कह सकते हो कि भगवान श्री राम की स्टैम्प पर अब उनकी फोटो लगाई जा रही है। जैसे होता है ना कि इंडिया के अंदर कि भाई हम जो अलग अलग टिकट्स होती है उस पर अलग अलग हम डिजाइन्स बनाते हैं या फिर किसी को रिस्पेक्ट देनी है तो उस हिसाब से यहाँ पर लाओस में यही बात हो रही है कि भाई यहाँ पर रामलला की यहाँ पर फोटो लगाई गई है। अगर आप देखो तो इंडिया सबके लिए इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, इंडिया सबके लिए एक स्टेबिलिटी लाने वाला, पूरी दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी लाने वाला, ग्लोबल साउथ की बात करने वाला या फिर आप कहो कि दुनिया के अंदर पीस की बात करने वाला। और इंडिया के अंदर क्या, पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या हो रही है भाई, कहाँ से कौन आतंकवादी हमला कर रहा है, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसी विजिट के अंदर जो कि आसियान के फोरम अटेंड करने के लिए डॉक्टर जयशंकर लाओस पहुंचे, वहां पर एक हिस्टोरिकली फर्स्ट टाइम ऐसा काम हुआ है कि जो इससे पहले नहीं हुआ था, और वो ये हुआ है कि लाओस ने एक पोस्टल स्टैंप इशू की है जिसके ऊपर श्री राम का इमेज है, और कहा जा रहा है कि ये दुनिया में पहली मर्तबा हिस्ट्री में ये एक ऐसी स्टैंप उन्होंने जारी की है और इसको अनवील किया है क्योंकि इस इवेंट पर एज ए स्पेशल गेस्ट के तौर पर डॉक्टर जयशंकर मौजूद थे, तो लाओस में उन्होंने अनवील किया वर्ल्ड्स फर्स्ट पोस्टल स्टैंप फीचरिंग श्री राम। ये आपके सामने मैं दिखाई देती हूँ आपको, ये आप स्टैंप देख लीजिए जो बनाया गया है, वो देखिए आप, ये देखिए ये स्टैंप है जो कि जिसके ऊपर आप देख रहे हैं साथ में इंडिया और लाओ का जो परचम है, फ्लैग है, वो भी साथ लगा हुआ है। और ये एक बहुत ही इसको कहा जा रहा है एक ऐसा स्टैंस है कि जो इससे पहले देखने को नहीं मिला था, और इसमें डॉक्टर जयशंकर को ये एक कहना चाहिए कि एक ऑनर की बात है उनके लिए भी कि उनको ये ऑनर मिला कि वो वहां पर जाकर। अच्छा, इसी के साथ श्री राम का जो स्टैम्प पेज उन्होंने इशू किया, तो उसी के साथ गौतम बुद्ध का स्टैम्प पेज भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध का स्टैम्प भी उन्होंने जो है वो जारी किया है। और ये दो टिकट्स जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं, सॉरी ये देखिए ये है, और ये देखिए ये अलग से मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये जी ये भी एक स्टैम्प उन्होंने। अच्छा, इसके ऊपर भी आप देखिए इंडिया और लाओस का फ्लैग है, ठीक है, और ये आप देखिए। तो ये एक इस वक्त मैं देख रही थी, जब मैंने इसके मुतालिक पढ़ा तो ये कहा जा रहा है कि ये जो पोस्टल स्टैम्पेज जारी किया गया है फीचरिंग श्री रामलला ऑफ अयोध्या, मेकिंग इट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू ए स्टैम्प डिपिक्टिंग ये डेटी जिसके ऊपर जो मौजूद है राम का इमेज मौजूद है. दिस रिलीज ड्यूरिंग इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर विजिट टू द कंट्री हाईलाइट्स द डीप रूटेड सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल टाइज बिटवीन लाओ एंड इंडिया. अच्छा, आप ये देखें कि इस तरह के जो कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया है, हर काम के अंदर कल्चर, हर काम के अंदर एक ऐसी अटैचमेंट, उनके जब किसी कंट्री के साथ रिलेशन है ना जो ये उसके ऊपर ये नहीं है कि सिर्फ ये इकोनॉमिकली रिलेशंस हो, वो हर कंट्री के साथ इंडिया के जो रिलेशंस बनते हैं वो बनते हैं कि उसके साथ एक अटैचमेंट होती है, एक कल्चरल रूट्स होती हैं, कि हिस्टोरिकल रूट्स उसके साथ अटैच होती हैं जिस तरीके से वो अपने बनाते हैं रिलेशन. तो ये आप देख रहे हैं. अच्छा, अब इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या बात करनी है, हमने बात करनी है कि जो मुलाकात हुई, ये बड़ी बात की जा रही है कि जनाब जो वेंग ली हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई. एग्जैक्टली मैंने आपको यही कहा. अब इंडिया की एंगेजमेंट देखें कि उनकी मीटिंग हो रही है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की. देखिए, इसको यूं समझना चाहिए कि पहले जमाने में गीता का जो पीरियड है वो 5000 साल पुराना पीरियड है और वो हिस्टोरिकली करेक्ट पीरियड है, एकदम परफेक्ट फैक्ट. तो गीता के पीरियड के समय में और उसके पहले भी जमाने में क्या होता था कि जो बड़े राजा होते थे, किंग्स, दे यूज्ड टू रूल अ सर्टेन एरिया, वो लोग अपने यहाँ पर एक अलग अलग किस्म के आश्रमों को फंडिंग किया करते थे. आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे आजकल की गवर्नमेंट्स यूनिवर्सिटीज को फंडिंग करती हैं, तो वैसे ही उन दिनों की गवर्नमेंट्स उन ऋषियों के आश्रम को फंड करते थे जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट सिखाए जाते थे, टीच किए जाते थे. तो कहीं फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी, कहीं पर वेपनरी पढ़ाई जाती थी, कहीं पर कुछ और पढ़ाया जाता था. तो ये आश्रम होते थे और इनको गवर्नमेंट्स फीड करती थी. इसी तरह का उस वक्त एक राज्य या एक किंगडम था जिसका नाम था कुरु राज्य. उस राज्य के अंदर जो उनका मेन ऐसा आश्रम या मेन ऋषि था उसका नाम था वेद व्यास. तो ऋषि वेद व्यास जो थे वो बहुत ही पढ़े लिखे थे और ज्ञानी थे बहुत, और उनके आश्रम में बहुत स्टूडेंट्स आते थे अलग अलग टॉपिक्स की स्टडी करने के लिए. एंड इट वाज अ वेरी इलेबोरेट सॉर्ट ऑफ अ स्टडी प्लेस. अब आपको ये बताता हूँ कि ऋषि वेद व्यास ने सोचा कि मैं इस कुरु राज्य के ऊपर एक डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू करता हूँ. तो उन्होंने एक किताब लिखनी शुरू की जिसका उन्होंने नाम रखा था जय. उसमें वो उस किंगडम की हिस्ट्री लिखना चाह रहे थे, लेकिन वो लिखते लिखते यूं हुआ कि जब ये दो फैमिलीज के अंदर स्प्लिट हो गई, कुरु के अंदर दो राजा थे, एक का नाम था धृतराष्ट्र, एक का नाम था पांडु. ये दो स्प्लिट हो गए आपस में, भाइयों में, और उनके बच्चे जो हो गए उनके आपस में प्रॉब्लम्स हो गई कि किंगडम में किंग कौन बनेगा. तो पांडु के बच्चों का नाम पांडव हो गया, कुरु के बच्चों का नाम कौरव हो गया. तो जब ये इलेबोरेट और हो गया, किंगडम बड़ा हो गया और लोग ज्यादा हो गए, तो उस किताब का नाम जय से चेंज करके भारत रख दिया.